बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम किसी भी विंडो की, किसी भी फाइल की आप ISO फाइल किस तरह बनाते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे IT नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें नई वीडियो की। तो सबसे पहले आपने पावर ISO को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी। इसके बाद आपने जो फाइल को ISO बनाना है, फर्स्ट हम विंडोज 7 की ISO बनाते हैं। जो विंडो आपको बेहतर लगे वो आप अपने CD-ROM से कॉपी करके अपने हार्ड डिस्क में कॉपी कर लें। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जितनी भी फाइल हैं इसमें, आपने जब आपने पावर ISO इंस्टॉल किया है तो वो आपको राइट क्लिक में आएगी। इसके बाद आप अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद आप पावर ISO में जाएंगे। इसके बाद आप एड टू इमेज फाइल इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव इमेज फाइल टू ISO फाइल, इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका स्कैनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग फाइल स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद सेविंग कॉपीइंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिमेनिंग टाइम 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारी ISO फाइल बन जाएगी। जी, तो हमारी ISO फाइल सक्सेसफुली बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 7 कॉपी की फोल्डर था, अब यहाँ पे ISO फाइल में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं क्लोज़ यहाँ से करता हूँ। अब इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। ये हमारा फाइल है, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं पेस्ट करूँगा। तो ये हमारा ISO फाइल है विंडोज 7 की। अब आप पावर ISO की मदद से आप इसको किसी भी USB में बूटेबल कर सकते हैं, किसी भी डिस्क में आप राइट कर सकते हैं, बूटेबल कर सकते हैं, बूटेबल विंडो बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।